मध्य प्रदेश के मन में मोदी जी हैं। मध्य प्रदेश में यूपी की तर्ज पर दो डिप्टी सीएम हो सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इनमें से एक आदिवासी और एक ओबीसी चेहरा हो सकता है। मध्य प्रदेश में एक लीडरशिप तैयार करने की बीजेपी की रणनीति है। जातियों के समीकरण को बीजेपी साधने की कोशिश में है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक ब्राह्मण चेहरे को सीएम बनाने की तैयारी है, लेकिन अभी नाम फाइनल नहीं है। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने 163 सीटें जीतकर बंपर जीत हासिल की है, जबकि कांग्रेस सिर्फ 69 सीटों पर ही सिमट गई। वहीं अब जल्द ही प्रदेश में नई सरकार का गठन होगा। इससे पहले प्रदेश में मुख्यमंत्री पद को लेकर कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। इसके अलावा खबर ये भी आ रही है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी उत्तर प्रदेश की तर्ज पर दो डिप्टी सीएम बना सकती है। माना जा रहा है कि बीजेपी जातिगत समीकरण साधने के लिए ब्राह्मण चेहरे को मुख्यमंत्री, जबकि एक ओबीसी और एक आदिवासी चेहरे को उप मुख्यमंत्री बना सकती है। हालांकि अभी आलाकमान ने ना ही इस पर कोई फैसला दिया है और ना ही अभी कोई नाम सामने रखे गए हैं। फिलहाल शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बनते हैं या नहीं, इस बात पर भी अभी चर्चा जारी है। लेकिन डिप्टी सीएम कौन होगा, इस पर भी अभी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया गया है।